नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 अध्याय 5 में यायावर साम्राज्य के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। यायावर साम्राज्य का अर्थ होता है घूम घूम करके जीवन व्यतीत करने वाले, अर्थात एक स्थान पर न रहकर जीवन यापन करने वालों को यायावर कहा गया है। तो इस पाठ में ऐसे ही यायावर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यायावर साम्राज्य की अवधारणा है वो विरोधात्मक प्रतीत होती हैं, अर्थात जो यायावर साम्राज्य है ये मतलब अपने आप में घूम फिर करके अपना शासन है वो चलाते थे, इसलिए इनका अपने आप में अलग महत्व है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। यायावर लोग कैसे होते थे? घुमक्कड़ होते थे। और यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थिति को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन किया था। लेकिन कई बार समाज शास्त्रियों की परिभाषाएं काफी संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक हो जाती हैं, क्योंकि वे किसी बंदे बंदे सांचे में उन्हें डालते हैं और ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अर्थात यायावर का अर्थ होता है घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाले, और जो घूम घूम कर जीवन व्यतीत करते हैं तो वे अपना किस प्रकार से साम्राज्य स्थापित करते होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम एक ऐसे समूह का अध्ययन करेंगे जो कालांतर में घूम घूम कर घुमक्कड़ रूप में अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन फिर भी एक साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया था जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था, और इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये हैं मध्य एशिया के मंगोल, जिन्हें 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में वो की थी। अर्थात ये जो यायावर साम्राज्य अध्याय 5 है इसमें हम एक 13वीं 14वीं शताब्दी में जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य में चंगेज खान के नेतृत्व में स्थापित किए हुए यायावर साम्राज्य के बारे में है वो अध्ययन है वो करेंगे। उसका साम्राज्य यूरोप और मध्य एशिया तक विस्तृत था। अर्थात चंगेज खान के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था वह यूरोप और मध्य एशिया तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे।
अर्थात चंगेज खान का साम्राज्य यूरोप और मध्य एशिया में विस्तृत था और कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग हैं वो दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव है वो न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा और उनके ऊपर अपना प्रभाव है वो स्थापित किया था। अर्थात ये जो यायावर समूह है इसने एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार है वो किया था। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात है वो किया था। अर्थात चंगेज खान ने किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों का सूत्रपात है वो किया था। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि केवल अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे और यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़े। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े थे और इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज की चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए वो बदल डाला था। अर्थात इस तरह से चंगेज खान के नेतृत्व में एक यायावर साम्राज्य की है वो स्थापना हुई थी। अब देखिए हम देखते हैं मंगोलों के बारे में, तो देखिए आप देख सकते हैं हम इनकी भूमिका के बारे में। मानचित्र एक में मंगोल साम्राज्य दिखाया गया है जो एक एशिया और यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में स्थित है। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया था। अर्थात तेरहवीं शताब्दी में के प्रारंभिक दशक में यूरोप और एशिया के महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का अभ्युदय देखा था। चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया पर चंगेज खान की राजनीतिक जो दूरदर्शिता थी उसके कारण मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दुर्गामी थी। अर्थात जिसमें जो मतलब एक बड़ा मंगोल जातियों का महासंघ बनाने से कहीं अधिक दुर्गामी थे। अर्थात मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश पर अधिकार है वो कर दिया था। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान
रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्येक संचालन में वो बीता था। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का वो निर्माण किया था। अर्थात चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया और मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण है वो किया था। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक, उनके जो आदर्श थे उनके मुताबिक पोते मौन के, जिसका कार्यकाल 1251 से 60 ने, फ्रांस के शासक लुई नौवे, जिसका कार्यकाल 1226 से 70 था, उसको ये चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है, वो है चंगेज खान। अर्थात चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उनके पोते मौनके ने फ्रांस के लुई नौवे को भी चेतावनी दे डाली थी और ये कह दिया था कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है, केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है, वो कौन है? चंगेज खान। स्वर्ग पुत्र जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल ये कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं, हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अर्थात ऐसे उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाइयों का आसान बनाया और सुंदर को वो निकट लाया था। अर्थात इससे स्पष्ट है कि चंगेज खान के वारिसान अपने आप को इस पृथ्वी का आधिपति समझते थे और वे किसी भी कीमत में उन पर अधिकार रखना चाहते थे। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेज खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने कार्यकाल 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर भी विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव में वो डाल दिया था। अर्थात जो चंगेज खान के पोते ने धमकी दी थी कि वह किसी भी साम्राज्य को जीत सकता है, तो इसी तरह चंगेज खान के दूसरे पोते बांटू ने भी अपने अभियान में रूस है, पोलैंड है, हंगरी है आदि को है वो अधिकार में ले लिया था। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। शाश्वत आकाश किसके पक्ष में था? मंगोलों के पक्ष में था। और चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे थे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और ये कयामत के दिन से दिन की शुरुआत है। अर्थात चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप ये मानने लगे थे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और इसे उन्होंने कयामत का रूप भी है वो दिया था। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से बुखारा साम्राज्य पर है वो कब्जा किया गया था। तो परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृतांत दिया है। जुवेनी के कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया और जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे, उसने उन्हें संबोधित करके कहा था, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने
अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासन भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया था कि वे आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूट दिया और चल दिए। अर्थात इस तरह से चंगेज खान व उसके उत्तराधिकारी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए और विभिन्न साम्राज्यों पर अधिकार करते, वहाँ के लोगों को दंडित करते और कहते कि तुमने कोई पाप किया है, इस कारण से ईश्वर ने मुझे यहाँ पर है वो भेजा है। मंगोलों ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बोनस बना दिया था। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया था। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा, उसकी राजसत्ता के विकास में इस बहुविविधता का क्या हुआ होगा। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, कहाँ रहते थे और उनके संबंध किनके साथ थे और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इस तरह से चंगेज खान और उनके वंशज ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए कई साम्राज्य को अपने अधीन कर दिया और यहाँ तक कि सिकंदर की विजयों को भी बोना साबित कर दिया था। धन्यवाद।